हरिद्वार के बहादुराबाद थाना पुलिस ने कनखल थाना क्षेत्र में जिला दवा निरीक्षक के साथ एक दवा कारोबारी के गोदाम पर छापेमारी की कार्यवाही की। इस कार्यवाही में जहां पुलिस को मौके से काफी संख्या में प्रतिबंधित ऐसी दवाइयां मिली जिनके खरीद के बिल तो पुलिस को मिले लेकिन बिक्री का कोई बिल पुलिस के हाथ नहीं लगा। इस मामले में दवा कारोबारी और उसके पिता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। आपको बता दें कि शनिवार को एसटीएफ की टीम ने बहादुराबाद थाना पुलिस के साथ मिलकर मुखबिर की सूचना पर बहादुराबाद थाना क्षेत्र से ही दो दवा तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी जो पकड़े गए हैं उनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं का बिना बिल के कलियर और देहात क्षेत्र में सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पता चला कि ये सारी दवाई कनखल थाना क्षेत्र के एक दवा कारोबारी के यहां से कलियर और देहात क्षेत्र के मेडिकल स्टोर पर सप्लाई की जानी थी। इस सब में बड़ी बात ये निकल कर आई थी कि ये दवा सप्लायर बिना किसी बिल के ही इन दवाओं को मेडिकल स्टोर पर सप्लाई किया करता था और मेडिकल स्टोर से नशे की गिरफ्त में आए लोग इन दवाओं को खरीदते भी थे। इस मामले में बहादुराबाद थाना पुलिस ने कनखल थाना क्षेत्र में एक मकान पर छापेमारी की। इस मकान में आरोपी सुशांत मेहता ने एक गोदाम किराए पर लिया था जहां से वो इन दवाओं की सप्लाई करता था लेकिन पुलिस के आने की सूचना से पहले ही वो गोदाम पर ताला लगाकर फरार हुआ, जिसके बाद मंगलवार दोपहर को पुलिस और जिला दवा निरीक्षक ने सुशांत की पत्नी को मौके पर बुलाकर गोदाम खुलवाया जहां से भारी मात्रा में अल्फराजोराम और ट्रेमाडोल की दवाइयां मिली हैं। गोदाम में दवा बेचने का किसी तरह का कोई लाइसेंस पुलिस को नहीं मिला। नवभारत समाचार हरिद्वार उत्तराखंड से शहजाद अली की रिपोर्ट। हैदराबाद द्वारा अभी फिलहाल में जो कार्रवाई की गई है, ड्रग्स भारी मात्रा में पकड़ी गई है, उसी कार्रवाई के दौरान एक नाम निकला है सुशांत मेहता, तो उसका जो मेडिकल स्टोर है वो कनखल में है। अभी दो दिन पूर्व हमारे द्वारा उसे ढूंढा गया था पुलिस टीम के साथ मिलकर, तो वो मौके से फरार हो गया था। मकान मालिक की मदद से जो है उसकी वाइफ को मौके पर बुला के और जो है मेडिकल स्टोर का हमारे द्वारा आज चेकिंग किया गया और वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर क्योंकि फार्मास्वामी तो वहाँ पर था नहीं और उसकी वाइफ कुछ भी दिखाने में असमर्थ रही और वहाँ फिलहाल ट्रामाडोल और अल्फराजोलाम की कुछ दवाएँ जो कि 24,000 ट्रामाडोल और 3,700 जो अल्फराजोलाम मिली है उसको पुलिस द्वारा फिलहाल जब्त कर दिया गया है और उसका लाइसेंस निरस्त करने की मेरे द्वारा संस्तुति की गई। चूँकि वो लाइसेंस ही है और जो है लाइसेंस है तो दवाइयां रख सकता है, कंप्यूटर उसके कंप्यूटर को कर जो चेक किया गया वहां पे उसके द्वारा भारी मात्रा में सारी नारकोटिक दवाइयां ली गई हैं और उनका जो बिक्री का जो रिकॉर्ड है वो कहीं भी मेंटेन नहीं किया गया। उस टाइम किन मामले इनका जो पुलिस द्वारा जो अपनी जो नारकोटिक दवाइयाँ पकड़ी गई थी वहाँ उन जो दो लोगों को अपराधियों को पकड़ा गया है उनका कहना है कि उनके द्वारा सुशांत मेहता से दवाइयां खरीदी गई थी और उसी के क्रम में इस मेडिकल स्टोर को आज हमारे द्वारा चेक किया गया था। पुलिस द्वारा उसकी जो है अभी उसको ढूंढा जा रहा है, वो फरार है, उसको जैसे ही वो मिलेगा तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।